और इस बीच बड़ी खबर बेगूसराय गोलीकांड से जुड़ी हुई सामने आ रही है। गोलीबारी के बाद पुलिस अलर्ट पर है और घटना के बाद से ही आसपास के इलाकों में चौकसी बढ़ा दी गई है। आरोपी को पकड़ने के लिए पटना, वैशाली और समस्तीपुर में पुलिस ने छापेमारी की है। बताया जा रहा है कि अपराधी समस्तीपुर की ओर से आए थे और बेगूसराय में गोलियां बरसाकर फरार हो गए। चारों आरोपियों की फोटोज भी सभी जिलों में भेज दी गई हैं। साथ ही बेगूसराय के सभी चौक चौराहों और ग्रामीण इलाकों में पुलिस ने अपनी गश्त बढ़ा दी है और सड़क से गुजरने वाली सभी गाड़ियों की बारीकी से जांच की जा रही है। और बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने बेगूसराय घटना के पीछे किसी साजिश की आशंका जताई है। उनका ये कहना है कि बेगूसराय घटना की एक एक चीज की पूरी जांच होगी। हालांकि नीतीश कुमार के बयान के बाद बीजेपी ने भी पलटवार करने में देरी नहीं की। जहां पर किया है गड़बड़ी वो सब पिछड़े वर्ग के हैं और एक तरफ जो हंगामा। लोन देने वाले आपकी मदद नहीं करते, वो लाभ कमाने के लिए देते हैं। तो कौन अच्छा है और कौन बुरा है जानना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। हुआ है वहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी के हैं, तो इस तरह से करके कोई ना कोई धंधा जरूर किया। और हमने कहा कि हर तरह से एक एक चीज का पता करिए। और ये तो हमने पहले ही ऐसे कुछ ही दिन पहले हमने मीटिंग करके पूरा सबके साथ गृह विभाग और इस पुलिस के साथ सारा मीटिंग करके पूरे बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए और जो पहले से बने हुए नियम हैं उन नियमों का ठीक ढंग से पालन करिए, ये बात तो हम मीटिंग में करके कर चुके हैं। लेकिन वैसे ही ये घटना घटी तो अचानक हमने देखा कि क्या हुआ है। इस पूरे मामले को जिस तरह से जातीय रंग देने का प्रयास किया जा रहा है बहुत ही गलत है, क्योंकि गोधना आधारपुर जहाँ से गोली की शुरुआत हुई है गोली चलाने की, वो तो भूमियारों का इलाका है और एनएच के किनारे किनारे तो कहीं घनी बस्ती है ही नहीं। और मरने वाले जो खुमचा बेचने वाला, खुमचे पर बेचने वाला, आइसक्रीम बेचने वाला, और एक घायल तो राजपूत जाति से आता है, तो इसलिए जो लोग घायल हुए हैं उनकी जाति कुछ भी हो, मारने वाला कोई जाति देकर नहीं मार रहा था। वो तो अंधाधुंध चला है एक कोने से दूसरे कोने तक और मरता चला गया एनएच के ऊपर जो है। तो एनएच के किनारे कहीं घनी बस्तियाँ नहीं रहती है, मिक्स पॉपुलेशन। इसे ये कहना कि फलाने जाति की बस्ती है ये बहुत ही आपत्तिजनक है। मुख्यमंत्री जी आपको गंभीरता दिखानी चाहिए। इस बीच ताइवान स्ट्रेट में चीन ने फिर ऐसी हरकत की जिससे लगा कि मानो वो ताइवान पर हमला करने ही वाला है। चीन ने अपने लड़ाकू विमानों की टुकड़ी और जंगी जहाजों का बेड़ा एक बार फिर ताइवान की सीमा के करीब भेज दिया और तनाव के बीच उसे एक बार फिर अपनी सेना की ताकत से डराने की कोशिश की। ताइवान ने दावा किया कि चीन के जंगी जहाजों ने ताइवान स्ट्रेट में बनी मीडियन लाइन को पार किया और उसकी सीमा की तरफ बढ़े। मीडियन लाइन अमेरिका की ओर से बनाई गई वो लाइन है जो ताइवान स्ट्रेट में ताइवान और चीन को अलग करती है। इसके साथ ही उसके लड़ाकू विमानों ने भी ताइवान के करीब जाकर ऐसा दिखाने की कोशिश की मानो वो कभी भी बम बरसा देंगे। यानी जंग भले ही न छिड़ी हो लेकिन चीन लगातार ताइवान के लोगों को डरा रहा है। वो ये दिखा रहा है कि अगर युद्ध हो गया तो फिर उसकी सेना ऐसा हमला करेगी कि ताइवान के लोगों के लिए जान बचाना मुश्किल हो जाएगा और वो बड़ी आसानी से ताइवान को घुटनों पर ले आएगा, जिसके लिए चीन ताइवान को खौफ से भर देने वाली चाल चल रहा है। माना जा रहा है कि इस प्लान के जरिए वो ताइवान पर जबरदस्त दबाव बनाना चाहता है ताकि उसकी सेना और वहां के लोगों का मनोबल पूरी तरह टूट जाए। क्योंकि जब भी चीन ने ताइवान को आंखें दिखाने की कोशिश की उसे तगड़ा जवाब भी मिला। चीन ने हमले की बात की तो ताइवान ने भी उसे दम दिखाया। कई बार अपनी मिलिट्री ड्रिल के वीडियो जारी करके ताइवान ने भी ये बता दिया कि वो दबने वाला नहीं है। चीन की सेना को जवाब देने के लिए वहां के लोगों ने भी कमर कस ली। कहा जा रहा है कि इसी बात ने चीन के गुस्से को और भड़का दिया जिसके बाद उसने लगातार कई दिनों तक ताइवान की घेरेबंदी के लिए अपने लड़ाकू विमानों और जंगी जहाजों को उसके करीब भेजा।